प्रदेश में 15 दिसंबर से पुलिस प्रमोशन कोर्स शुरू किए जाएंगे। 27 नवंबर को पासिंग आउट परेड के बाद करीब 2 सप्ताह का विराम देने के बाद प्रमोशन कोर्स को शुरू करवाए जाएंगे। ये जानकारी हिमाचल पुलिस महानिदेशक डीजीपी संजय कुंडू ने सुजानपुर में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए दी। उन्होंने कहा कि हिमाचल पुलिस न्यायालय से इस लंबित मामले को अपने पक्ष में कर चुकी है। उसी बिहात पर प्रदेश में 15 दिसंबर से पुलिस प्रमोशन कोर्स शुरू किए जाएंगे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 27 नवंबर को डरोज जिला कांगड़ा में पुलिस ट्रेनीज की पासिंग आउट परेड आयोजित हो रही है, जिसमें विशेष रूप से महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। अब तक का ये सबसे ज्यादा ट्रेनीज को पास आउट करने का मौका है, जिसमें करीब 1000 पुलिस ट्रेनिंग पास आउट होंगे, जिसमें करीब 850 पुरुष और 200 महिला ट्रेनी शामिल हैं। इसके साथ साथ यहीं पर बनने वाले 320 मैन बैरक की आधारशिला भी महामहिम राज्यपाल रखेंगे, जिस पर करीब 13 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ अन्य 2 इनोग्रेशन कार्य होंगे, जिस पर करीब 2 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमीरपुर जिला पुलिस बेहतरीन कार्य कर रही है। बात महिला अपराध को कम करने की हो या फिर माइनिंग को रोकने की हो या फिर प्रदेश में नशा मुक्त अभियान चलाने की, दुर्घटनाएं रोकने की बात हो, तमाम कार्य करने में पुलिस बेहतरीन रोल निभा रही है। यही कारण है कि देश के टॉप 3 पुलिस में हिमाचल प्रदेश पुलिस का आंकलन किया जाता है। पुलिस जवानों के स्वास्थ्य पर चिंता व्यक्त करते हुए डीजीपी ने कहा कि अब तक करीब 92 पुलिसकर्मी मृत हुए हैं, जिसमें 26 दुर्घटनाओं में जबकि 66 नेचुरल डेथ में मृत हुए हैं। उनके स्वास्थ्य के प्रति पुलिस विभाग चिंतित है कि क्यों ऐसा हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पुलिसकर्मी का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और HDFC बैंक में खाते खुलवाए गए हैं, जिसमें एक्सीडेंटल डेथ पर 30 लाख रुपए और नेचुरल डेथ पर 2 लाख रुपए देने का प्रावधान रखा गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक थाने में ऑक्सीमीटर मशीनें फिट करवाई जा रही हैं, ताकि पुलिस कर्मियों का स्वास्थ्य निरीक्षण वहीं पर हो सके। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में पुलिस ने बेहतरीन कार्य किया है। राज्य सरकार भी समय समय पर नियम एवं निर्देश जारी करती रहती है। अब तक करीब 1.25 करोड़ रुपए मास्क जुर्माने के राज्य पुलिस वसूल चुकी है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि जनहित में जारी किए गए निर्देशों की पालना करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, मास्क पहनना अनिवार्य करें, भीड़ इकट्ठी ना करें, खुद भी सुरक्षित रहें और औरों को भी सुरक्षित रखें। देखिए, हम ड्रो जा रहे हैं। ड्रो में करीब हमारे 1000 ट्रेनीज कल पासिंग आउट होगी ड्रो से, जिसमें गवर्नर साहब मुख्य अतिथि होंगे। मेरे को वैसे कल गवर्नर साहब के साथ हेलीकॉप्टर में आना था, लेकिन मौसम खराब था तो मैंने सोचा कि अगर किसी वजह से गवर्नर साहब नहीं आ पाए तो किसी को तो सलामी लेनी होगी, इसलिए मैं एडवांस में आ गया और गवर्नर साहब को कल रिसीव करेंगे। और ये हमारा ड्रो में वन ऑफ द लार्जेस्ट बैचेज है, मतलब सबसे बड़ा करीब बैचेज है, जिसमें 850 के करीब जवान हैं। टोटल करीब 200 महिलाएं हैं। तो जो 200 महिलाएं, ये स्को में ट्रेनिंग हुई थी 2nd बटालियन में, और जो 650 के करीब पुरुष जवान हैं, इनकी ड्रो में ट्रेनिंग हुई। साथ ही साथ कल गवर्नर साहब 320 मैन बैरक, इसका भी फाउंडेशन स्टोन रखेंगे, जो BSNL बना रहा है, 13 करोड़ की लागत से बन रहा है वो। और 2 इनॉग्रेशन है छोटे 40-40 लाख के, वो मैं करूंगा। आज मैं बीच में रुका क्योंकि थोड़ा सा ब्रेक लेना था, लंच का ब्रेक लेना था, सुजानपुर रुका हूं। और मैं यहाँ मेरे साथ एडिशनल SP है विजय सकलानी जी, और SDPO पालमपुर हैं, और SHO हैं सुभाष, इनके साथ मिलके मेरे को बड़ी खुशी हुई। ये मेरे पुराने कुलीग्स हैं, हमने साथ में काम किया है, और कुल मिलाकर हमीरपुर जिले में अच्छा काम हो रहा है और पूरे हिमाचल प्रदेश की पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। और आज के अगर टॉप 3 पुलिस इंडिया के देखें तो उसमें हिमाचल पूरे प्रदेश की पुलिस का नंबर आता है। और हमने बड़े अच्छे कदम लिए हैं महिला और बच्चों के अपराध के रोकथाम के लिए, इलीगल माइनिंग के लिए, नशा मुक्ति के लिए, इसके साथ ही साथ एक्सीडेंट्स कम करने के लिए कई चीजों में। हम देखिए, ऐसा ही एक कोर्ट में लंबित मामला था तो फैसला हमारे हक में हुआ है। अभी 27 को कल पासिंग आउट परेड होगी,
और 27 के बाद 15 दिन का गैप देंगे क्योंकि पीटीसी को उन्होंने ठीक करना, उसके बाद हम प्रमोशन कोर्सेज चलाएंगे। प्रमोशन कोर्सेज एक बार चल पड़ेंगे तो प्रमोशन भी हो जाएगा। ये कई ग्रुप्स जो है आपस में हाई कोर्ट में चले गए थे और उसमें फाइनली फैसला हमारे ही हक में हुआ है, अब हम उसको आगे बढ़ाएंगे। और हमने ये निश्चय लिया है कि 15 दिसंबर के आसपास इनका प्रमोशन का कोर्स ड्रो में चलाएंगे। सब कोरोना काल में एक अच्छा सा संदेश प्रदेश की जनता। देखिए मैं तो यही बोलूंगा, मास्क पहनिए और ग्लव्स हो सकता है तो ग्लव्स पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए और जब बने तो हाथ धोइए, जब बने तो नहाइए, और वैसे अगर सैनिटाइजर का जितना प्रयोग कर सकते हैं करिए। और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट। तो मैंने देखा है जिसमें हमारे उसमें भी कई एसपीज और कई डीसीज वगैरह आए हैं कोरोना पॉजिटिव, रिकवर तो हो गए लेकिन उनका एनर्जी लेवल काफी नीचे चला गया, थोड़ा डिसओरिएंटेशन भी हो गया उनको, जैसे ना डिसओरिएंटेशन हो जाता है ना थोड़ा। और तीसरा मैंने देखा है कि स्पीच में भी कुछ उनको प्रॉब्लम्स हो रही है, बोलचाल में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, तो ये प्रिवेंट करना ही बहुत बहुत जरूरी है। और सर्दियों के दिन है और हिमाचल में भी इसका प्रकोप बढ़ रहा है, तो मैं अपनी फोर्स को बोलूंगा पहले तो अपने आप को प्रोटेक्ट करो, फिर जो ये सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क पहनना, प्रतिद्वंदी या एनिमी है वो ऐसा नॉकआउट करे तो आप पहले राउंड में नॉकआउट हो सकते हो। तो जो पहले राउंड का नॉकआउट था वो हिमाचल प्रदेश पुलिस ने अच्छा काम करके उसको प्रदेश को बचाया। पहले पहले जब बाकी जगह दिल्ली में, चेन्नई में, बॉम्बे में इतना ज्यादा प्रकोप था, हिमाचल बच गया। फिर उसके बाद अब दोबारा सेकेंड और थर्ड वेव आई है, तो मैं आशा करता हूं कि हमारी फोर्स इस वेव में भी बड़ा अच्छा काम करेगी और जो हमारे से बनेगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो ये पब्लिक हेल्थ इश्यू है, बेड्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ऑक्सीजन है, ट्रीटमेंट है, वो तो हमारे लोग नहीं कर सकते, लेकिन जो कर सकते हैं जैसे मास्क का एनफोर्समेंट, सोशल डिस्टेंसिंग का एनफोर्समेंट, इसको पूरी तरह से लागू करेंगे। हमने इस दौरान करीब 1,20,00,000 फाइन भी किया है जो मास्क का नहीं पहनने का है, वो काफी फाइन है और बहुत ज्यादा भी नहीं चाहते क्योंकि उससे जनता परेशान होती है। लेकिन जो अभी सरकार के नए आदेश कि हमारे जवानों की जो हेल्थ है वो दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, कोई कारण होगा, स्ट्रेस है या ठीक से खाते नहीं है। हमने देखा कि पिछले 3 साल में 92 हमारे पर्सनल इनकी डेथ हुई, 26 तो एक्सीडेंट्स में डेथ हुई है और 66 इनकी नेचुरल डेथ हुई है। इसका हम कारण पता कर रहे हैं और इसमें क्या क्या कार्रवाई कर सकते हैं कर रहे हैं। हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और HDFC के साथ इनका बैंक अकाउंट किया है ताकि अगर मान लो एक्सीडेंट में डेथ हो जाए तो 30,00,000 रुपए ये बैंक्स देते हैं और नेचुरल डेथ है तो 2,00,000 रुपए देते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पुलिस फोर्स का जो स्वेटर होगा ना जिससे कोरोना का ऑक्सीजन देख सकते हैं, एक BP मशीन होगी और एक ग्लूकोमीटर जिससे वो है और एक वेइंग मशीन वजन। हमने देखा धीरे धीरे हमारी फोर्स है जैसे आई ओवर वेट होती जा रही है, जैसे ना पहले नहीं होती थी हिमाचल में, आज के दिन में ओवर वेट होती जा रही है। ओवर वेट होने से ना कई प्रॉब्लम्स आती है, बीपी की आती है। आपको बीपी है? शुगर, बीपी शुगर की प्रॉब्लम्स आती है, तो उसके कारण हमने देखा कि हमारे फोर्स का स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक नहीं है, तो उसको हम ठीक करना चाहते हैं और जिसकी वजह से ओवरऑल परफॉर्मेंस